मेरी कुछ वीडियो मीडिया में वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात हमारी सरकार, जो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सबका साथ सबके विकास की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जनता को गुमराह करके संविधान और आरक्षण की बात करके, जनता को भ्रमित करके, इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत करके जो है अपने आप को 30 मार्खां बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। सपा और कांग्रेस के जो इन्होंने भ्रामक स्थिति जनता में पैदा किया है, जनता सब समझ गई है, आम जनता को यह पता लग गया है कि मोदी और योगी देश और प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। आप लोग के बरगलाने पे अब जनता बरगलने वाली नहीं है, पुनः 2027 में डबल इंजन की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। वो क्लिप अधूरी है, मेरे भाषण की पूरी क्लिप आप सुनेंगे तो अपने आप ये है अस्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी साजिश के तहत एक अधूरी क्लिप का को चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में का कार्यकर्ता कहीं कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। एक लक्ष्य, मोदी जी कितना आगे बढ़े, मोदी जी कितना मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी का ये कमल कि पूरी दुनिया में कितना सुंदर ढंग से खिल सके, ये हम सबका प्रयास है। यह जो क्लिप है वो अधूरी है और समाजवादी पार्टी की साजिश के तहत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं है, 543 सीट में 43 सीट जिसको नहीं मिली और वो इतने प्रसन्न हैं, वो दिखते हैं, तो मैं नहीं समझ पाया कि उनकी प्रसन्नता का क्या कारण है। तो अपने कमज़ोर स्थिति को छिपाने के लिए वो ये सब ऊँची हरकतें कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस उनके इस प्रयास में कोई दम नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और मोदी जी इस पार्टी के अगुआ हैं, अगुआ रहेंगे, इसमें कहीं कोई न तो संदेह है न तो अखिलेश जी की परेशानी से कोई फर्क पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था जो है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मेरे सामने कभी ऐसा कोई सवाल आया नहीं, अगर कोई सवाल कभी आएगा तो जो उचित प्लेटफॉर्म होगा हम जरूर उस पर बात करेंगे। मेरी संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं।